हेलो, अमरपाल सिंह जी, नीतीश बात कर रहा हूँ गोरखपुर लाइव न्यूज से। जी नमस्कार नीतीश। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हैं सर, बताइए। अमरपाल जी, आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये खबरें हैं कि कल कोई एक एस्ट्रॉइड जो है अपने पृथ्वी की तरफ से गुजरेगी और कुछ उससे नुकसान पहुंच सकता है या नहीं भी पहुंच सकता। लोगों को काफी डर भी है, आशंका अलग अलग लगाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी जी ऑफकोर्स, बिल्कुल। पृथ्वी के पास से जो माउंट एवरेस्ट के आधे से बराबर जो ऊंचाई का एक एस्ट्रॉइड है, 4.1 किलोमीटर जो वाइड है, वो यहाँ से जैसे जो पृथ्वी से और चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, उसके उससे 16 गुना ज्यादा दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना है तो फिलहाल है नहीं, लेकिन जब ये दोबारा इसकी एक ऑर्बिट है 2079 ईयर्स में, तब फिर इसकी जो दूरी रह जाएगी वो 1 मिलियन माइल्स की दूरी रह जाएगी, तो ज्यादा संभावना है इससे टकराने की। अच्छा अच्छा जी। और ये एक एस्ट्रॉइड है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में, बहुत सारे बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड आर फाइंड आउट इनटू द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे हम कहते हैं। तो हाँ, इनका जो निर्माण हुआ था वो 4.5 अरब साल पहले, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था जी, उसी समय कई ऐसे खगोलीय पिंड थे जो ग्रहों का आकार नहीं ले पाए थे। तो ये खरबों की संख्या में खगोलीय पिंड जो है वो मौजूद होते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में, जिसे हम खगोलीय बेल्ट कहते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट कहते हैं। और ये अपने अनियमित आकार में होने के कारण ये जो है छोटे पिंड, छोटे ग्रह, हम इन्हें स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज भी कहते हैं। और ये उल्का पिंडों से बड़े होने की वजह से हम छोटे ग्रहीय खगोलीय पिंड इन्हें इसीलिए कहते हैं। अच्छा अमरपाल जी, बताया जा रहा है कि 1998 में भी ऐसा एस्ट्रॉइड जो है नासा ने देखा था सबसे पहले। जी 1998 में, जी जी जो 1998 में आ रही है, ये एस्ट्रॉइड तो पिछले 4.5 अरब साल से पहले, अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जब से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, उसी का बचा हुआ एक हिस्सा है, टूटा हुआ छोटा फ्रेगमेंट टुकड़ा। तो नजर इस पर जो रखी है नासा ने वो 1998 से है, इसीलिए इसका नाम 52768 OR2 या फिर 1998 रखा गया है। जी अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि इसकी स्पीड लगभग जो है 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। जी जी हाँ, इसकी स्पीड जो अरेसिवो ऑब्जर्वेटरी ने नापी है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड जो है वो 31,320 किलोमीटर अप्रोक्स प्रति घंटा। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए अगर ये अगर टकराती है पृथ्वी से तो कई देश जो है इसकी चपेट में आएंगे, तो उससे नुकसान क्या क्या है वो जानना चाहेंगे आपसे। जी अगर वैसे तो ये अगर टकराने वाली नहीं है पृथ्वी से, ये श्योरेंस सर्टन है, लेकिन हाँ अगर ये टकराती है पृथ्वी से तो अप्रोक्स मोर देन 50% जो स्पेसीज है वो ये खत्म करने की संभावना है इससे जो है। अच्छा जी, किस तरीके का नुकसान हो सकता है, किस तरीके का कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर कुछ मतलब सुनामी टाइप के कुछ आ सकते हैं अगर टकराते हैं? जी बिल्कुल, इसकी है क्या टकराने की इनकी संभावना है जो है वो 50,000 टाइम्स में एक बार ऐसी संभावना होती है, कम से कम 50,000 संभावनाएं जो हों उनमें एक संभावना ऐसी होती है जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए। और हर साल जो है बहुत सारे एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, लेकिन ये बिगेस्ट एस्ट्रॉइड है जो कि 4.1 किलोमीटर अप्रोक्स वाइड है जो पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। अगर ये एस्ट्रॉइड नहीं टकराएगा तो नहीं ही, ये तो श्योर एंड सर्टन है, लेकिन अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड कभी भविष्य में पृथ्वी से अगर टकराता है तो काफी सुनामी भी ला सकता है। अप्रोक्स इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अगर टकराएगा तो कई किलोमीटर ऊंची लहरें समुद्र में उठ जाएगी, क्योंकि इसके अगर पृथ्वी पर ये ऐसे वायुमंडलीय दबाव के कारण ये पिंड जब नीचे आते हैं एटमोस्फेयर को क्रॉस करके और सरफेस पर आ जाते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर जब आते हैं तो ये कई मीटर गहरे गड्ढे बना देते हैं, और पृथ्वी पर इनकी संभावना जो है पृष्ठ पर गिरने की केवल अप्रोक्स जो है 29% ही रहती है, क्योंकि 71% भूभाग पर पृथ्वी के महासागर है, तो अधिकतर ऐसी बॉडी जो है वो महासागरों में गिरने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जब इतनी तीव्र गति से आता हुआ कोई एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकराता है तो भारी तबाही ला सकता है, ये श्योर एंड सर्टन है। अच्छा कुछ समय इसके लिए डिसाइडेड है क्या कि आदमी इस समय तक इस चीज को देख सकता है, महसूस कर सकता है? जी जी, इसका ये जो समय है वैसे तो यूटीसी के अकॉर्डिंग 4:56 है, लेकिन यहाँ इंडिया की समय की बात करें तो ये 3:26 से 3:30 मान लीजिए, 3:30 यहाँ से जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसके ड्यूरिंग दिन होगा 3:26 पर जो है, 3:26 दोपहर के, तीन छब्बीस दोपहर के। अच्छा अच्छा
अच्छा, ऐसे और कितने एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो अभी अपने धरती के लिए खतरा बने हुए हैं? अभी बहुत सारे एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा बने हुए हैं। अभी एफोपिस है जो 2029 में आने वाला है, पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा, और यही एस्टेरॉयड दोबारा जो है अप्रोक्स 2079 में जब गुजरेगा तब भी ये खतरा ला सकता है। और भी बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल करके हमारे सोलर सिस्टम के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ से निकलते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए चारों तरफ सूर्य के घूमते हुए जैसे ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही एस्टेरॉयड भी चक्कर लगाते हैं जो है सूर्य का। तो सूर्य का चक्कर लगाते समय इनकी कक्षाओं में कभी कभी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि स्पेस में वहाँ पर वैक्यूम होता है, तो इन पर कोई फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा होता, कोई घर्षण बल नहीं लग रहा होता जिस कारण ये आपस में टकरा जाए या फिर कितर बितर हो जाए इधर उधर। लेकिन जिधर भी रेंडमली इनका अनियमितता साइज होने के कारण, अनियमित आकार होने के कारण ये हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। बाकी सारी टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं और मंगल बुध बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून इनकी तरफ भी जाते हैं और इन पर भी गिरने की प्रबल संभावना रहती है और गिरते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल के करीब से यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है उसके करीब से गुजरने पर इनके यहाँ पर टकराने का भय रहता है। तो चूंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें अपनी तरफ खींचने की शक्ति जो है प्रदान करता है, इसीलिए जो है टकराने का भय रहता है। अच्छा अच्छा जी। और ऐसे आते हैं एक चक्कर लगा करके इलेप्टिकल वे में दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार शेप में और फिर सूर्य के चक्कर पर चले जाते हैं और कभी-कभी ये सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अमरपाल जी, क्या एनवायरमेंट पे कोई असर देखने को मिलता है क्या इसका? जी, अगर ये टकराते हैं तो एनवायरमेंट पर तो बहुत भयंकर असर देखने को मिलता ही है। जैसे कि अभी पिछले नहीं, अगर नजदीक से गुजरते भी हैं, जैसे आपने बताया कि जो डिस्टेंस है दूर है लेकिन उतनी भी दूर नहीं है जितनी बताई जा रही है। जी जी, क्योंकि खगोलीय घटनाओं में ये एस्ट्रोनॉमिकल जो इंसिडेंट्स होती हैं उनकी अगर हम देखें डिस्टेंस देखें तो उनमें ये दूरी ज्यादा दूरी नहीं मानी जाती है। हाँ, तो इसीलिए ये जो है घातक बताया जा रहा है। दरअसल इसका पृथ्वी पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु या मानव मात्र के लिए पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। यानी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ने वाला है? नहीं नहीं, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो सूर्य जो आपका पृथ्वी है और ये चंद्रमा है से 16 गुना दूरी से ज्यादा दूरी से ये गुजरेगा। अच्छा, इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि मतलब इससे टकराने की जो है बात ही नहीं आएगी। जी, पृथ्वी से टकराने की इसकी अभी कोई भी संभावना नहीं है। ठीक ठीक। अमरपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन है, 1 महीने से ज्यादा हो गए, एनवायरमेंट में काफी जो है चेंजेस देखने को मिला है। आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमर के तौर पे आप कितना बदलाव देखते हैं? जी, मैं अभी देख पा रहा हूँ काफी बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ही तारामंडल में बहुत सारे लोग आते थे, हजारों लोग की भीड़ रहती थी यहाँ पर, तो अभी चारों तरफ बिल्कुल सूनापन है, एकदम कोई नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं, एकमात्र यही जरिया है हमारे पास में कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का यूज करें और अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और अपने वातावरण पर विशेष ध्यान दें। और इससे आगे आने वाले कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी जब तक ये बीमारी कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। नहीं, वातावरण की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि वातावरण में काफी? जी जी, वातावरण, हाँ जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज किया है। वातावरण की अगर बात करें तो वातावरण में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो है एटमोस्फेयर में इतना साफ हो गया है आसमान, तो जो स्टार गेजर्स हैं, यूनिवर्स लवर हैं, उनके लिए ऐसे ही आप रात्रि में अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्स आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारी खगोलीय घटनाएं आप ऐसे ही नंगी आंखों से देख सकते हैं जी। और पहले बहुत सारा प्रदूषण होने की वजह से वो सारी चीजें उतनी आसानी से साफ नजर नहीं आ रही थी। और पेड़ पौधों पर भी असर है, जहाँ तक है कि अब जैसे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होने के कारण तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर वायुमंडल में थोड़ा खुशनुमा माहौल बनता ही है। जी जी, चलिए ठीक है। अमरपाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर।